ठीक है मैडम, मैं कल आ जाऊँगा जी। श्रद्धा 3000 रुपये? सीरियसली? किसी प्रोफेशनल हाउस शिफ्ट करने वाले को बुलाओगे ना? 15,000 रुपये लेगा इस काम के। तो तभी तो इन भैया को बोला, सस्ते में काम निपट गया ना। और झूठ क्यों कहा? हमारे किसी पड़ोसी को कोई घर शिफ्ट नहीं करवाना है। ये झूठ बोला तभी तो 3,000 रुपये में मान गया ना। ये तुम 1-2 हज़ार रुपये के पीछे। अरे यार, तुमने अपने हिसाब से घर खरीद लिया ना, अब शिफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो मुझे अपने तरीके से देख लेने दो ना। लेकिन ये क्या किया तूने? ये मैंने नहीं किया मैडम। क्या हो गया? देखो ना पीयूष, इसने ये टेबल तोड़ दिया। ये मेरा कितना फेवरेट टेबल था। पर ये टेबल तो। अब इसके पैसे ना तू भरेगा। मैडम मेरा भरोसा कीजिए, मुझसे नहीं टूटा ये फालतू के ना बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को कैसे 1 मिनट में पलट जाते हो। पर मैडम काम कर अपना। श्रद्धा, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये टेबल पहले से टूटी हुई है। हाँ। तो फिर इस बेचारे पे ब्लेम क्यों लगाया? ताकि मेरा प्रॉफिट हो जाए और मैं इसके 1500 रुपये और काट। यार देखो, ये लोग जितने डिजर्व करते हैं ना, उससे ऑलरेडी कम पैसे दे रहे हैं। मैं ना अपने आप देख लूंगी, तुम मत समझाओ मुझे। काम निपट गया? जी मैडम, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही सारा सामान घर में रख दिया। ठीक है। मैडम वो आप बता रहे थे कि आपके पड़ोसियों को भी घर शिफ्ट करना है, आप मेरी बात करा देते उनसे तो। वो उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब नहीं वो शिफ्ट कर रहे। लेकिन मैडम आपने बोला था कि वो शिफ्ट करेंगे तो आप मुझे बात करा देंगे। अब उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया तो उसमें मैं क्या करूँ? ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। मैडम इतने कम पैसे? तो टेबल तोड़ा था ना तूने, तो काट लिए उसके मैंने। मैडम 1500 रुपये काट लिए, और वो टेबल पहले से ही टूटी थी, मैंने नहीं तोड़ी, आप मेरा यकीन कीजिए। मुझे ना बताने की जरूरत नहीं है, जितने पैसे तुझे दिए ना रख ले आराम से। ये तो गलत बात है मैडम, आपने मुझसे बोला था कि और काम दिलवाओगे, इसलिए मैंने कम पैसे में काम कराया, और अब आप मुझ पर टेबल टूटने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप मेरे हिस्से का काट लीजिए पैसा, लेकिन मेरे मजदूरों को तो पूरा दे दीजिए। मैं झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ तुझ पर? अपनी ना औकात में रह, समझा? पहले दिन प्यार से क्या बात कर ली, तू तो सर पे ही चढ़ गया। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो बेचारा सुबह से इतनी मेहनत कर रहा है हमारा घर शिफ्ट करवाने में, और तुम ऐसा कर रही हो उसके साथ। तुमने देखा नहीं वो कैसे खामखा जबान लड़ा रहा था मुझसे? जबान नहीं लड़ाई उसने, जो सही है बस वही कह रहा था। देखो मेरा ना तो तुम्हारे साथ लड़ने का मूड है ना बहस करने का मूड है, और मुझे मत बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, और ये कमरा क्यों इतना बिखेर रखा है? मैं सुबह से हमारा नए घर के पेपर्स ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गए। अलमारी में ही तो रखे थे मैंने। पूरी अलमारी देख ली है। देखो तुम टेंशन मत लो, आप मैं देखती हूँ। आओ ढूंढते हैं। देख कर आती हूँ। तू फिर पैसे मांगने आ गया? नहीं मैडम जी, वो टेम्पो में आपके घर के कागज गिर गए थे, वही लौटाने आया हूँ। ये वहाँ कैसे आ गए? पता नहीं मैडम जी, आखिर में अलमारी लाए थे, शायद तब गिर गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये पेपर्स लौटा दिया आपने, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है फिर, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यार मैंने उसके साथ कितना गलत किया एंड स्टिल वो हमारे पेपर लौटा गया। गलत तो किया, लेकिन मैं क्या ही कहूँ। मैं जब भी तुम्हें कुछ समझाता हूँ तुम हमेशा चुप करवा देती हो। मैं अभी आती हूँ। हाँ भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपने मेरे घर के पेपर्स लौटा दिए, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैडम जी, आपने जैसा मेरे साथ किया है ना, उस हिसाब से तो मैं लौटाना नहीं चाहता था, लेकिन 1500 रुपये के लिए मुझे इतनी तकलीफ हुई, तो यहाँ तो लाखों की बात है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अपने पैसे बचाने के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मैं कितना गलत काम कर रही थी, पर आपने मुझे रियलाइज करा दी। There is a thin line between confidence and arrogance. Confidence is about believing in yourself, and arrogance is making others believe that you are better than they are. Arrogance destroys and confidence inspires. It's your choice to take one of them. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.